कटनी जिला अस्पताल के नवनिर्मित महिला प्रसूति वार्ड में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद मरीजों और उनके परिजनों को जिला अस्पताल से बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्य जिला अस्पताल में पीछे नवनिर्मित बने मातृ व शिशु परिचर्या परिसर की 3 मंजिला भवन में महिला प्रसूति वार्ड है, जहां आग पहले दूसरी मंजिल में लगी और फिर इसकी लपटें भवन की 3री मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया। आग से मरीज और उनके परिजनों का दम घुटने लगा। नवजात बच्चों को गोद में लेकर महिलाएं बिल्डिंग से बाहर की ओर निकलने लगी, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल की बिल्डिंग से बाहर निकालने लगा। अस्पताल प्रबंधन और कर्मचारी पुलिस बल के साथ मरीजों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। इस पूरी घटनाक्रम में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इस घटना के बाद कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद, SP सुनील जैन सहित मुड़वारा विधायक भी मौके पर पहुंच गए। कटनी कलेक्टर ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आग लगने की सूचना प्राप्त होने पे कोतवाली TIE के नेतृत्व में पूरा कोतवाली का बल यहाँ पहुंच गया तत्काल। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी खबर दे दी गई। फायर ब्रिगेड तत्परता पूर्वक यहाँ पहुंच गया और सबने मिलके जो है इस पे आग पे काबू पाया। यहाँ पे जो भर्ती मरीज थे उनको अस्पताल के स्टाफ की मदद से पुलिस बल के द्वारा उनको बाहर निकाला गया। कुछ मरीज खुद भी चले गए थे और अब धुआं खत्म हो जाए तो आग किस प्रकार लगी इसके कारणों की जांच प्रारंभ की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।